हेलो स्टूडेंट्स तो बच्चे हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर थ्री दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक ठीक है तो हमने डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स देखे थे कि हमारा जो कोट क्लॉथ मटेरियल होता है वो डिफ़रेंट वैरायटी ऑफ द आपका फाइबर के साथ बना होता है ठीक है तो हमने देखा था बूझो और पहेली ने अपने पेरेंट्स के लिए कॉटन और वुलन मफलर लिया था और कॉटन की साड़ी दी थी ठीक है तो उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट फैब्रिक्स में आइडेंटिफाई किया था ठीक है नेक्स्ट है आपका वैरायटी इन फैब, फैब्रिक्स ठीक है कि फैब्रिक्स में कितने टाइप की हमारे पास वैरायटी है तो फर्स्ट एक्टिविटी है आपके पास विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप Collect cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool, or synthetic after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it. क्लोजली वट डू यू नोटिस ठीक है तो अब आपको क्या बोला है कि आपने नीयर बाय अपने जो भी टेलर की शॉप है जो दर्जी है वहाँ पे जाना है और उनके पास जो कपड़ों के पीसीस बच जाते हैं सिलने के बाद ठीक है आपने वो कलेक्ट करने हैं उनको टच करना है उनको फ़ील करना है कि डिफ़रेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स किस तरह से हमें लगता है ठीक है तो आप जब उसको दूर से देखोगे तो आपको एक प्लेन सा कंटिन्यूस पीस दिखेगा लेकिन जैसे ही आप उस क्लोथ को बिल्कुल नज़दीक से पास से देखोगे तो आप कुछ उसमें थ्रेड्स नोटिस करोगे ठीक है कि वो जो फैब्रिक है वो किसी ना किसी थ्रेड से बना हुआ है ठीक so, है सो देखते हैं एक्टिविटी टू नेक्स्ट आपका है सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी वन नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यन एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट ठीक है अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास कॉटन का क्लोथ होगा उसमें से एक धागा या फिर जो भी एक स्ट्रिंग है वो आपने क्या करना है निकाल लेनी है ठीक है इफ नो लूज यू माइट सॉरी इफ नो लूज यान्स आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल देखो फिगर में आपको बताया कि किस तरह से आपने वो कॉटन का धागा निकालना है ठीक है अगर आपको कोई लूज़ वो यान नहीं दिख रहा है लूज कॉर्नर नहीं दिख रहा है नहीं दिख रही है वो धागा ठीक है तो आपने क्या करना है एक सुई लेनी है या फिर कोई पिन लेनी है उसकी हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान्स अरेंज टूगेदर वट आर दीज यान्स मेड ऑफ़ ठीक है तो बोला ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये जो धागे हैं ठीक है ठीके? वो किस चीज़ से बने होते हैं ठीक है और कैसे बने होते हैं तो नेक्स्ट है आपका फाइबर ठीक है तो फाइबर के बारे में पढ़ते हैं फाइबर से ही क्या होता है फैब्रिक आपका बनता है ठीक so, है सो एक्टिविटी थ्री है Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. S scratch the other end of the yarn along its length with your nail, as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits into thin strands? ठीक है तो अब आपने क्या करना है वो जो कॉटन का थ्रेड uh, आपने यान जो निकाला है ठीक है उसको एक साइड से आपने अपने अंगूठे से दबा लेना है और दूसरे साइड पे अपने नेल से उसको क्या करना है स्प्लिट करना, करना है स्क्रैच करना है ठीक है जैसे आपको यहाँ फिगर में बताया है ठीक है तो आप क्या देखेंगे जो यान है वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स में जैसे ये दिया है आपको फिगर में ठीक है उसमें स्प्लिट हो गया ठीक है सो आपने ये एक्टिविटी करके देखनी है ठीक है सो आज के लिए इतना ही करते हैं बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे सो थैंक यू